हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। आप इस तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाकर देखिए, बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। ये मैंने करेले ले लिए हैं, मैं इनको गोल गोल कट कर रही हूँ। आप किसी भी तरीके से कट कर सकते हो। सभी करेलों को मैं कट करने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए धूप में रख दूँगी। धूप में रखने से करेले कड़वे नहीं बनते हैं। धूप में रखने के बाद मैंने करेले को वॉश कर लिया है। मैंने कढ़ाई में डाला थोड़ा ऑयल और मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के टाइम आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हो, उससे भी करेले कड़वे नहीं बनते हैं। करेले फ्राई हो गए हैं, मैंने इनको निकाल लिया। अब सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा ऑयल और डाला। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें डालूँगी मैं जीरा, हींग। अब मैंने ये 2 से 3 ओनियन ले ली है, उनको कट कर लिया है, मैंने उनको डाल दिया है। मैं इनको अच्छे से भूनूंगी। ओनियन अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ करेले। करेले और ओनियन को भी अच्छे से थोड़ी देर भूनेंगे। अब मैं डालूंगी इसमें मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, मिर्च पाउडर, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये मैंने सौंफ ले ली है, सौंफ डाल देती हूँ। सौंफ से करेले बहुत ही अच्छे बनते हैं, आप एक बार ज़रूर डाल के देखिए। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी, 2 से 3 चम्मच पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इनको ढक देती हूँ। अब मैं 3 से 4 मिनट बाद चेक कर रही हूँ। फिर मैं करेले को ढक देती हूँ। बीच बीच में हम करेले चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आम का अचार। आपके पास कच्ची वाली आम भी हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने आम के अचार का यूज किया है इसको खट्टा करने के लिए, या आमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं। अब मैं इसको फिर से ढक देती हूँ। अचार को मैं थोड़ा सा कट कर दूंगी स्पून की हेल्प से। करेले बनकर तैयार हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।